हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। रुपेश की रसोई में आप सभी का है स्वागत। तो आज जो है ना चिकन नए तरीके से बनाएंगे, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 केजी मतलब 1.5 किलो मैंने चिकन ले रखा है। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे 1.5 चम्मच लाल मिर्ची, ये तीखी वाली लाल मिर्ची है, और 1/2 चम्मच हल्दी, नमक 1/2 चम्मच, और 2 से 2.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको सबसे पहले हम करेंगे मैरिनेट। तो इसको अच्छे से चिकन को मसाज दे देते हैं मसाले के साथ। अब इसको हम चिकन मैरिनेट हो गया है, इसको 1/2 घंटे के लिए रख देना। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कढ़ाई ली है, और मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, और कढ़ाई मेरी थोड़ी सी मैंने बड़ी ली है क्योंकि हमें चिकन को करना है फ्राई। तो गैस को आप फुल रखिएगा क्योंकि चिकन पानी ना छोड़े। तो यहाँ पर हमें इसको हल्का सा सुनहरा सा दोनों साइड से कलर आ जाए चिकन को, तब तक हमें फ्राई करना है। तो तेल अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए तब चिकन को डालना है। तो यहाँ पर मेरा जो है ना चिकन एक साइड से हो गया, अब इसको मैं दूसरी साइड से चेंज कर देती हूँ। तो सभी को पलट देते हैं हम। तो यहाँ पर जो चिकन है मेरा फ्राई हो चुका है, अब मैं इसी तरीके से जो है चिकन फ्राई कर लूँगी। अभी मैंने पूरा चिकन मेरा फ्राई नहीं हुआ है, अभी आधा बचा है। तो इसी तरीके से आपने फ्राई करना है चिकन को। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं सभी चिकन को। तो देखिए चिकन मैंने इस तरीके से फ्राई किया है। अब यहाँ पर तेल थोड़ा सा ज़्यादा था तो इसको हम कम कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे हम कुछ कड़े मसाले, 6 से 7 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, और 5 से 6 लौंग, और छोटे छोटे जो 3 से 4 तेज़पत्ता, 1 चम्मच जीरा, इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे ये कुछ लहसुन की कलियाँ, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, और ये 1/2 किलो प्याज, इसको हमने मोटा मोटा काट रखा है। तो यहाँ पर जो प्याज है हमें जब तक भूननी है, थोड़ी सी सॉफ्ट करनी है हमें प्याज। तो यहाँ पर प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट होगी। अब इसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें टमाटर। टमाटर हमने लिए हैं 1 पाव, यानी 250 ग्राम टमाटर है हमारे, और इनको भी हमने मोटा मोटा काट लिया था। अब इसके बाद हमने लेना हरा धनिया, और हरा धनिया हमें जिसके डंठल होते हैं उस समेत लेना है। जड़ें आप निकाल दीजिएगा, डंठल इसमें आप ज़रूर डालिएगा, इससे जो है ना टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। मैं आपसे एक नई रेसिपी इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत, जब भी मैं कभी कभी बनाती हूँ इसको, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने सोचा ये रेसिपी आप सभी से शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर इसको हम कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो प्याज और टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसको हम बाहर निकाल के ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर ठंडा हो चुका था, अब इसको हम मिक्सी जार में इसको पीस लेते हैं। मसाले को आप निकालिएगा नहीं, सभी को पीस देना इसमें। तो इसका हम बहुत बारीक सा पेस्ट बना लिया है, ये देखिए इस तरीके इसका। अब इसमें हमने लिया थोड़ा सा तेल, और 1 चम्मच हमने कलर वाली मिर्ची, और 1.5 चम्मच हमने इसमें धनिया पाउडर डाला है। अब इसमें हम डाल देंगे ग्रेवी, और ग्रेवी को हम अच्छे से पका लेंगे, 4 से 5 मिनट पका लेंगे। तो यहाँ पर मेरी ग्रेवी है, देखिए इस तरीके से पक चुकी है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ चिकन।
अब यहाँ पर डालेंगे हम पानी। पानी में डालूंगी इसमें 2 गिलास के करीब मैं इसमें पानी डालूंगी। और इसकी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनती है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी डालने के बाद अब मैं इसमें डाली हूँ 1/2 चम्मच नमक और 3 से 4 चम्मच डालूंगी मैं इसमें देसी घी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा चिकन में। अब इसको हम 15 मिनट के लिए गैस को स्लो करके 15 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देते हैं। अब 15 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं, चिकन को चेक कर लेते हैं हम। तो चिकन बनके हो चुका है हमारा तैयार, बहुत ही ज़बरदस्त। इसकी ग्रेवी इतनी लाजवाब बनती है। तो अब यहाँ पर डालेंगे हम खूब सारी कस्तूरी मेथी और 1/2 चम्मच गरम मसाला। तो चिकन बन गया हमारा रेडी। अब इसको हम गैस को कर देते हैं बंद। इसको हम जो है ना 2 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। 2 मिनट के बाद इसको हम निकालते हैं प्लेट में। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा चिकन बनाई, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। और इसकी ग्रेवी आप चावल के साथ खाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। तो चलिए अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारी जो कितना बढ़िया चिकन बन के तैयार हुआ है, ये तो मैं बोल रही हूँ, आप ट्राई करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो चिकन हमारा बहुत ही लाजवाब बना है, आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।